दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी ने साइन कर लिया है माइकल जैकबसन को, और यही नहीं, वो ऑलरेडी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और टीम के साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। जी हां गाइस, माइकल जैकबसन 34 साल के डेनमार्क के एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो एज ए डिफेंडर खेलते हैं। हालांकि गाइस, कोच यहां पे इस प्लेयर को एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने कैरियर में डेनमार्क के सीनियर टीम को रिप्रेजेंट करते हुए माइकल जैकबसन ने इब्राहिमोविच, लेवांडोव्स्की जैसे प्लेयर्स के साथ मशक्कत किया था। दोस्तों, स्पेन के टॉप डिविजन लीग लालिगा में यूडी अल्मेरिया की तरफ से कुछ मैचेस खेलने के बाद माइकल जैकबसन ने कुछ डेनिश क्लबों को भी रिप्रेजेंट किए थे। रिसेंटली उनका स्टिन था ऑस्ट्रेलिया ए लीग में, जहां पर उन्होंने एडिलेड यूनाइटेड और मेलबर्न सिटी की तरफ से खेला था। दोस्तों, माइकल जैकबसन को तो मैं यंग एनर्जेटिक डिफेंडर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ही समवन हु इज कमिंग अप विद इनफ टॉप फ्लाइट एक्सपीरियंस। 2002 में वो डेनमार्क के अंडर 17 प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहे थे। तो गाइस, क्वालिटी इस प्लेयर में मौजूद है, तो देखते हैं आने वाले सीजन में वो टीम को कैसे लीड करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी ने जॉन कातानियागा, रोमेन फिलिपेटो, मैट डर्विशियर के साथ अपना चौथा फॉरेन साइनिंग भी कंप्लीट कर लिया है। अब गाइस, क्लब को एक एशियन प्लेयर और एक बैकअप स्ट्राइकर की तलाश है, जो कि क्लब जल्द से जल्द समाप्त करना चाहेंगे। बात करते हैं टीम के कुछ इंडियन साइनिंग के बारे में, और दोस्तों, पार्थिव गोगोई को यहाँ पर क्लब ने एक 3 ईयर डील पर साइन कर लिया है। जी हाँ, टीम के ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर प्रज्ञान गोगोई के भाई है पार्थिव गोगोई, जो जिस स्ट्राइकर खेलते हैं, और रिसेंटली इंडियन अंडर 20 टीम को सैफ चैंपियनशिप में उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और दोस्तों, उन्होंने 8 मैचों में 5 गोल भी किए थे। दोस्तों, एक बहुत ही युवा काबिल स्ट्राइकर है पार्थिव गोगोई, और अब अपकमिंग सीजन में उनके ऊपर अपने आप को साबित करने का कई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, इट डिपेंड्स अपन कोच मार्को बलबुल की वो पार्थिव को किस तरह से देखते है। पार्थिव के साथ टीम में एंट्री हुआ है दीपू मिर्धा और अल्फ्रेड लालरोसंग का भी। अब दोस्तों, दोनों ही प्लेयर ने इससे पहले ISL खेल चुके हैं, लेकिन गाइस, इन दोनों प्लेयर्स को रिजर्व टीम में फिर से शामिल किया गया था। लेकिन अब दीपू मिर्धा नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी के फर्स्ट टीम में वापस आ चुके हैं, और उनके साथ टीम में अल्फ्रेड लालरोसंग भी होंगे। इस बार के नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी के स्क्वाड में असम के कई खिलाड़ी मौजूद है। गौरव बोरा, दीपू मिर्धा, पार्थिव गोगोई, प्रज्ञान गोगोई, प्रज्ञान मेधी, अल्फ्रेड लालरोसंग के साथ निखिल डेका भी टीम में मौजूद है। तो ओवरऑल असम के 7 खिलाड़ी नॉर्थ ईस्ट वेदर एफसी के फर्स्ट टीम में इस सीजन मौजूद रहेंगे। अब दोस्तों, आने वाले सीजन में ये प्लेयर्स क्या कमाल करते हैं, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अलविदा।